हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या थी आपके लिए। वर्स ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करते हुए इस रीडिंग को देखें और वीडियो को लाइक कर दें। जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन पर फोकस रख कर ही इस रीडिंग को देखें। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ कप्स। रात आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपके प्यार के बारे में सोच रहे थे कि आपने उनको कितना प्यार दिया है, कितना सपोर्ट दिखाया है। हमारे पास आया है नाइट ऑफ वैंड्स, तो वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे थे। आपको इमेजिन कर रहे थे कि आप उनके पास हैं और वो आपसे बातें कर रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ को देखे जा रहे थे और आपकी ओल्ड चैट्स को पढ़ रहे थे। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है द लवर्स, तो वो आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील कर रहे थे, आपको बहुत मिस कर रहे थे। उनका जो प्यार है वो आपके लिए एक अलग ही लेवल का है, वो नेक्स्ट लेवल का प्यार महसूस करते हैं आपके लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। वो सोच रहे थे कि आपने हमेशा ही उन्हें सपोर्ट किया है, जब भी वो प्रॉब्लम्स में थे आपने उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनको बताया, जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। आपने हर लेवल पर उन्हें सपोर्ट किया है, जब वो इमोशनली बैलेंस नहीं बना पा रहे थे तो आपने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। वो मेंटली भी जब डिस्टर्ब होते थे आप उनको काफ़ी पीसफुल महसूस करवाते थे, उन्हें उनकी पास्ट की यादों से बाहर निकालने में भी उनकी हेल्प की। उन्होंने हमेशा ही आपको एक परफेक्ट इंसान, परफेक्ट जीवन साथी और परफेक्ट फ्रेंड पाया है। जब कभी भी उन्हें आपकी ज़रूरत हुई, आप हमेशा उनके लिए तैयार रहे। ये भी सोच रहे थे कि जितना सपोर्ट आपने उनको किया है वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, जब आपको ज़रूरत थी उनकी तो वो आपके साथ नहीं रह पाए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में ही बिज़ी रहे। आप हमेशा ही उनसे शिकायत करते थे कि जब कभी भी उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है आप सपोर्ट नहीं करते हैं, तब वो यही कहते थे कि पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि जब कभी तुम्हें मेरे सपोर्ट की ज़रूरत होती है मैं तुम्हारे साथ अवेलेबल नहीं रह पाता हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स मेरे पर ऐसी होती है जिसमें मैं उलझा हुआ होता हूँ और तुम्हें न चाहते हुए भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर पाता, तुम्हारे साथ नहीं रह पाता। कल रात वो ये सब सोच रहे थे कि क्यों होता है ऐसा कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरे पेरेंट्स को मैं नहीं बना पाया, मैं एक लूज़र हूँ। शायद वो ये सारी ही चीज़ें सोच रहे थे और ख़ुद को ब्लेम कर रहे थे। आपके साथ अनजस्टिस हुआ है वो इसके बारे में भी सोच रहे थे। मुझे ऐसा भी लगता है कि वो ख़ुद को आपके लिए लकी नहीं मानते हैं और उनको ऐसा लगता है जब कभी भी वो आपकी लाइफ में रहते हैं आपके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, आप प्रॉब्लम्स में घिरे हुए रहते हैं और जब वो आपसे दूर रहते हैं तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं। अब वो बार बार आपको परेशान नहीं करना चाहते, आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आना चाहते, वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ जियो, क्योंकि उनके पेरेंट्स शायद इस रिलेशनशिप के लिए कभी नहीं मानेंगे। उनको मालूम है कि आप उनके सोलमेट हैं, उनके ट्विन फ्लेम हैं। शायद ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती और वो इस जर्नी को फेस नहीं कर पा रहे हैं। इस जर्नी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको वो सारी प्रॉब्लम्स बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं, वो अपने आप को इन प्रॉब्लम से नहीं निकाल पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो दर्द मुझे मिल रहा है मैं इसे सहन नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने कर्मास को रिलीज़ नहीं कर पाऊँगा। कल रात वो ये भी सोच रहे थे कि वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं और आपकी लाइफ से उनका दूर चले जाना ही अच्छा है। वो कल रात खुद ही अपने से सवाल कर रहे थे और अपने आप ही उन सवालों के जवाब दे रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे जब आप उनसे मिले थे, जब आप उनके साथ होते थे, जब वो आपसे बातें करते थे तो एक अलग ही लेवल का प्यार और अट्रैक्शन उनको आप में फ़ील होता था। वो आपके बारे में सोच सोच कर बहुत रो भी रहे थे। एक टाइम ऐसा आया कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाए और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वो जब कभी भी आपसे दूर जाने का फ़ैसला करते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे बिना पानी के मछली तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। उनको भी ऐसा लगता है कि आप उनके लिए पानी हैं और वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, तड़प तड़प कर ही शायद वो इस ज़िंदगी को जिएंगे। वो तड़पन वो महसूस कर पा रहे थे। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए जीवन हैं, उनकी सांसें आपके नाम से चलती हैं, आपके नाम से धड़कती हैं उनकी दिल की धड़कनें। अगर आप उनसे दूर चले गए तो उनकी धड़कने रुक सी जाएंगी। रात वो बहुत तड़प रहे थे और गॉड से प्रे कर रहे थे कि काश उनका पार्टनर उनको मिल जाए, उनके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के लिए राज़ी हो जाएं, आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं काश कि वो ठीक हो जाएं, कोई चमत्कार हो जाए।